पब में नाबालिग आरोपी को शराब परोसी गई, उसे सील किया गया और अब पुणे नगर निगम ने कोरेगांव पार्क में मौजूद दो और अवैध पबों पर कार्रवाई की है जिन्हें बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया है। जिन पब्स पर कार्रवाई की गई वो अवैध अतिक्रमण में बने हुए थे। इसके साथ ही पुणे नगर निगम ने शहर के अन्य सभी पब मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। तो वहीं इस घटना के बाद अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पुणे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस रईसजादे 17 साल के नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली, उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आर के अग्रवाल से कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने आर के अग्रवाल को धमकी देने भेजा। इस दौरान आर के अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग भी हो गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था। कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। शायद यही वजह है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नाबालिग आरोपी को कानून का डर नहीं था, इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रुपए शराब में खर्च किए और उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाकर दो जिंदगियों को रोक दिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी ऑर्डर की गई। 15 घंटे में ही जमानत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल की जगह बालिग की तरह ट्रीटमेंट की अपील की है। इसे लेकर आम लोगों का गुस्सा ऐसा है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान एक संगठन ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की। इस बीच पुणे नगर निगम ने अवैध पब पर बुलडोजर चलाया है। पुणे के पौश इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं। पुणे के जिस पब ने नाबालिग को शराब परोसी उस पर एक्शन हुआ, लेकिन देश के कई शहरों में नाबालिगों को धड़ल्ले से एंट्री दी जाती है और शराब परोसी जाती है। इसका CNN न्यूज 18 ने पर्दाफाश किया। हमारे कैमरे पर कनॉट प्लेस हौजखास के कई पब स्टाफ ने कबूल किया कि वो 25 साल से नीचे के युवाओं को शराब परोसते हैं।